नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस की इस वीडियो श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं अंधेर नगरी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। अब तक अंधेर नगरी पर दो वीडियोज आ चुके हैं और लगभग चार वीडियोज आएंगे। टोटल चार वीडियो में हम कवर कर लेंगे अंधेर नगरी की जो प्रमुख जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस नाटक से। ये जो प्रश्न है ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार ये पूछा भी जा चुका है। प्रश्न ये है कि समकालीन संदर्भ में अंधेर नगरी की प्रासंगिकता प्रतिपादित कीजिए। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं अंधेर नगरी पर तो कृपया जाकर देख लें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। बात करते हैं प्रासंगिकता का मतलब क्या है। प्रासंगिकता का मतलब है कि जो नाटक उस समय लिखा गया क्या आज भी उसकी सत्यता है, क्या आज के समय में भी सामाजिक परिवेश, राजनीतिक परिवेश, धार्मिक परिवेश, आर्थिक परिवेश या फिर न्याय व्यवस्था क्या वैसी ही है या क्या उससे मिलती जुलती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसके पहले एक और बात, अगर आपने आपको बीपीएससी 67th बीपीएससी का आंसर राइटिंग का कोर्स ज्वाइन करना है तो 9169041691 पे संपर्क करिए व्हाट्सएप के माध्यम से। यूपीपीसीएस और यूपीएससी के कोर्सेज भी मंथली आंसर राइटिंग के चलते हैं। चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, व्यक्ति का मूल स्वभाव और प्रवृत्तियाँ हर युग में लगभग एक सी रही हैं। हर युग में मनुष्य का स्वभाव लगभग एक रहा है। जैसे आप अच्छे युग की बात करें, सतयुग, कलयुग, ये सारी चीज़ें हैं, तो अच्छे लोग भी मिलते हैं हर समय में और बुरे लोग भी मिलते हैं। अब साहित्य का अर्थ है कि साहित्य वही कालजयी होता है जो हर युग में प्रासंगिक हो। कविता के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा था कि कविता वही अच्छी है जो प्रासंगिक हो, जो हर युग में प्रासंगिक हो। राजनीतिक स्थितियां बदलती हैं, तब ब्रिटेन के शासक राज करते थे, आज हमारे यहाँ के अपने लोग राज करते हैं, तो क्या आज के समय में भी वैसी कुछ परिस्थितियां हैं या कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है, उसके बावजूद बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। अगर हम अंधेर नगरी की बात करें तो अंधेर नगरी पूर्ण रूप से समकालीन संदर्भ में प्रासंगिक है। इसको निम्नलिखित आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें राजनीतिक संदर्भ की क्या प्रासंगिकता है। तो देखिए, भारतेंदु ने इस नाटक में एक राजा का चरित्र गढ़ा और वो राजा था चौपट राजा, जो कि अनपढ़ है, मूर्ख है, विवेकहीन है। उस राजा के पास बिल्कुल बुद्धि नहीं थी और वो मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया करता था और उसकी मूर्खता से लोग मान भी जाते थे। जो उसके दरबारी हैं, जो उसके मंत्री हैं, वो उसको मान लेते थे। तो ये बात है, जिन लोगों पर इनकी छत्रछाया होती है वे अकारण ही समाज में ऊँचा स्थान प्राप्त कर लेते हैं। अच्छे और सच्चे लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं, आज भी ऐसी चीज़ है। जो लोग सच्चे हैं वो आज भी दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं और जो लोग चाटुकार हैं, जो सत्ता की चाटुकारिता करते हैं, वो लोग सत्ता का विश्वास पात्र बने बैठते हैं और उनको सम्मान मिलता है, ऊँचे पद की प्राप्ति होती है। तो इस तरह की बात है। तो आज भी अनेक राजनेता अंधेर नगरी के मूर्ख, विवेकहीन और धोखेबाज लोग बाहर से तो सभ्य प्रतीत होते हैं लेकिन मन में वो उतने सभ्य है नहीं जितना वो बाहर से दिखाई देते हैं। तो वास्तविकता कुछ और है और अंदर कुछ और है, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है, ये बताना चाह रहे हैं। राजनीतिज्ञों की चालों के कारण बेईमान और झूठे तो ऊंची ऊंची पदवियां प्राप्त कर लेते हैं। इस समाज में वही महान है जो बड़ा धोखेबाज और दुष्ट है। यदि राजगद्दी पर बैठने वाले ही मूर्ख हों तो जनता को उनकी मूर्खता का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसे वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक कर जाना, ये आप उदाहरण दे सकते हैं कहाँ से, अंधेर नगरी से। फिर ये देखिए, प्रकट सम्य अंतर छल धारी, सोई राजसमा बल भारी। ठीक, उसके बाद ये देखिए, नारी दुर्दशा, ये भी वर्तमान समय में प्रासंगिक है। समाज में नारी की स्थिति भारतेंदु के समय में जो थी वो आज भी है। भारतेंदु ने इस नाटक में ये भी दिखाया है कि समाज में व्यापार में आप देखिए तो उस बाजार में महिलाएं भी हैं जो अपना वस्तु बेच रही हैं, अपने सामान को बेच रही हैं, परंतु क्या आज के समय में भी वो प्रासंगिक है? तो आज भी महिलाएं बहुत आगे भी बढ़ चुकी हैं और उसके बावजूद महिलाओं की स्थिति आज भी खराब है। आप देखिए, बहुत सारे डाटा हैं, एनसीआरबी के डाटा देखिए आप, उससे भी पता चलता है ये सारी बातें। तो युवतियों को तरह तरह के मोहजाल में युवकों को फंसाती थी, आज भी ऐसा होता है, अब भी बिल्कुल ऐसा ही है, स्थिति बदली नहीं है। मछरिया एक टके के बिकाए, लाख टकाके वाला जोवन गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए, बिन पानी मछरी सो बिरहिया मिले बिना अकुलाए। पुरुष प्रधान समाज में नारी की स्थिति ऊंची नहीं थी, आपने देखा, और वैश्याओं को और महिला पत्नी को एक समान माना गया है इस नाटक में, ऐसा मिलता है देखने को हमें। फिर उसके बाद से देखिए कि प्रसिद्ध वैश्याओं का नाम भी लेता है बड़ी सहजता से, जैसे चना खाए तो की मैना, बोले अच्छा बना चबैना। तो आज भी महिलाओं की स्थिति वैसी ही है, तब भी नारियां पुरुष के साथ व्यापार में सहयोग देती थी, आज भी देती हैं, और अब तब भी स्थिति खराब थी नारी की, आज भी स्थिति नारी की खराब है।
सामाजिकता की बात करें तो विषमता थी समाज में। आप देखिए कैसे तत्कालीन सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा था। व्यंग्यात्मक शैली में भारतेंदु ने इसके बारे में उल्लेख भी किया है, जो स्त्री के बारे में आपने सुना वो भी उल्लेख किया है। इसके अलावा दुष्ट लोग सभ्य और अच्छे लोगों को अपमानित करते थे, समाज में वही श्रेष्ठ माना जाता था जो धोखेबाज और दुष्ट होता था। सारे तरफ से अंधेर मचा हुआ था, ऐसा देखने को हमें मिलता है इस नाटक में। शासक बस नाम मात्र के थे, उनका कोई मतलब नहीं था, सारे अच्छे अच्छा बुरा काम कर्मचारी करते थे। ठीक है, तो आप ये उदाहरण भी लिख सकते हैं, छलियन के एका के आगे लाख कहो एकहु नहीं लागे। धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याय सदाई। राजा जो कर दे वही न्याय है, वर्तमान में भी यही है। सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, धोखा फरेब करने वालों ने हर जगह अपना स्थान सुनिश्चित कर रखा है। मन के काले लोग, धोखेबाज लोग, ये जो हैं इन्हीं का हर जगह बोलबाला है। शासक वर्ग जो है वो अपने कर्मचारी, शासक वर्ग और कर्मचारी बाहर से देखने में बड़े अच्छे लगते हैं, नेता वगैरह, लेकिन अंदर से वो क्या है आप सबको पता है। अंदर से आज भी उनका मन काला है, उस समय भी ऐसा होता था। आज भी वे अत्याचारी हैं, अन्यायी हैं, उस समय भी होता था। अधिकारियों की लूटमार उस समय भी होती थी। आप देखिए, चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। आज भी रिश्वतखोरी हर जगह व्याप्त है। आज भी सरकारी संगठनों में, कहीं भी सरकारी कार्यालयों में आप जाइए तो बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। तो सरकारी कर्मचारी तब भी बेईमान थे, आज भी बेईमान है। सबके लिए ये नहीं कहा गया है, मगर अधिकांश बहुलांश की बात होती है। चूरन पुलिस वाले सब खाते, सब कानून हजम कर जाते। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी टके शेर भाजी। तो भारतेंदु के समय समाज जैसा था वैसा ही आज भी है। जाति पाति की व्यवस्था, और दोस्तों अंधेर नगरी में देखिए आप ब्राह्मणों के नाम पर किए जाने वाले शोषण का उल्लेख मिलता है। आडंबर का वर्णन करते हैं, वो पैसे लेकर धर्म परिवर्तित कराने के लिए तैयार रहते हैं। आज भी पैसे लेकर धर्म परिवर्तन होता है। तो धर्म परिवर्तन, समाज की व्यवस्था का टूटना, ये आज भी देखने को मिलता है। तो एक प्रासंगिकता ये भी है। वर्तमान में विभिन्न धर्मावलंबी अपने अपने ढंग से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, समाज में अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं। धर्म के रास्ते उनके लिए व्यापार का रास्ता है, उनका काम ही ईश्वर के नाम पर व्यापार करना है। चौपट राजा अंधविश्वास के कारण अपने फांसी के फंदे पर स्वयं झूल गया था, और वर्तमान में भी न जाने कितने लोग धर्म के नाम पर अपना काम धंधा छोड़कर जीवन की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। ये उदाहरण है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। वास्तव में देश की स्थितियां अब भी वैसी हैं, आप समझ सकते हैं। धर्म के नाम पर आज भी राजनीति होती है, हर तरफ भ्रष्टाचार है, पुलिस विभाग भी ठीक से काम नहीं करता, नेता के अंदर विवेकहीनता है, मूर्खता है, मूर्खता नहीं धूर्तता कहिए, धूर्तता है। धर्म के ठेकेदार जो लोग बने बैठे हैं वो भी बेईमान है। थोड़ा सा अगर अंधेर नगरी में परिवर्तन कर दिया जाए तो वर्तमान में भी ये प्रासंगिकता देखने को हमें मिलती है, और इसका औचित्य आज भी बना हुआ है। तो ये तो हो गया इस वीडियो का पहला सेगमेंट, जिसमें हमने बात की अंधेर नगरी की प्रासंगिकता के बारे में। एक प्रश्न और है, अंधेर नगरी के गीतों का औचित्य क्या है, ये स्पष्ट कीजिए। अंधेर नगरी में कुल अगर आप देखें इस नाटक में तो छोटे बड़े 5 गीत हैं, और ये नाटकों को गति भी प्रदान करते हैं और स्पष्टता भी देते हैं। पारसी रंगमंच जो था, जब हम रंगमंच का इतिहास पढ़ेंगे तो आप समझिएगा, पारसी रंगमंचों में गीतों का बड़ा महत्व होता था। गीतों के माध्यम से वहाँ पर लोगों का मनोरंजन किया जाता था, और पारसी रंगमंच जो था वो लटके झटकों से भरपूर हुआ करता था। भौंडे संवाद, बड़े लाउड संवाद बोलना, अश्लीलता का प्रदर्शन करना, कुछ ऐसे दृश्यों को दिखाना, कुछ गीतों को दिखाना, ये पारसी थिएटर का आप कह सकते हैं कि उसकी विशेषता थी। और पारसी थिएटर से ही धीरे धीरे रंगमंच का विकास भारत में संभव हुआ, और पारसी थिएटर का योगदान भी है। व्यावसायिकता अगर नाटक में आई है तो वो पारसी थिएटर की वजह से आई है। नाटकों को अगर लोकप्रियता मिली है तो वो पारसी थिएटर की वजह से मिली है। इसको हम पढ़ेंगे, जब हम रंगमंच और नाटक का इतिहास पढ़ेंगे तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गीतों का प्रचलन तो था ही, और सरलता से दर्शकों के सामने चीज़ों को सामने स्पष्ट रखना है तो गीतों की आवश्यकता है। और अंधेर नगरी में जो गीतों का प्रयोग हुआ है वो औचित्यपूर्ण ही है, और वो उसने नाटक को गति प्रदान की है, स्पष्टता प्रदान की है। चूरन वाला के माध्यम से, पाचक वाला के माध्यम से जो बातें काव्यों के माध्यम से कही गई हैं उससे तीखा व्यंग मिलता है समाज के ऊपर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सारे समाज में भ्रष्टाचार, बेईमानी और चोर बाजारी का बोलबाला है। सब लोग एक दूसरे को हर पल ठगने की फिराक में लगे हुए हैं। राजा के दरबार और कचहरी में काम करने वाले सारे कर्मचारी रिश्वत लेकर काम करते हैं, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। चूरन को खाकर रिश्वत को पचाने की बात कही गई है, जैसे चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन नाटक वाले खाते, इसकी नकल पचा कर लाते। चूरन सभी महाजन खाते, ये सारी चीज़ ये नाटक है पूरा। चूरन खावे एडिटर जात, जिनके पेट पचे नहीं बात। चूरन साहेब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। ये गीत है, और इस गीत का महत्व क्या है, इस गीत का औचित्य क्या है, इस गीत के माध्यम से संकेत किया है भारतेंदु ने कि तत्कालीन समाज में, चाहे वो धर्म हो, चाहे राजनीति हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो न्याय हो, हर ओर पतन ही पतन दिखाई देता है।
आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने गीतों के माध्यम से पाठक को प्रभावित करने का प्रयोग किया है, प्रयास किया है। तुकांत छंदों का प्रयोग किया है। सभी गीत तुकबंदियों में रचे गए हैं। तुकबंदी का मतलब होता है कि लास्ट वाला जो होता है वो मिलते, तुकांत मिले। तो लय में सृष्टि की जाई है, इसको सरलता से गाया भी जा सकता है। स्वर मैत्री का सर्वत्र ध्यान रखा गया है। गाने का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है। मंच पर जब कोई गाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा मनोरंजन की दृष्टि से। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत टके शेर भाजी, रैयत राजी टके शेर भाजी, अंधा धुंध मचो सब देशा, मानह राजा रहत विदेशा। देखिए तुकबंदी भी है, गाया भी जा सकता है। संक्षिप्तता की बात करें तो नाटक में जो गीत हैं वो प्रायः संक्षिप्त आकार के हैं, छोटे गीत हैं, उनमें भाव बहुत अधिक हैं, विराट भाव हैं, लेकिन सहजता के साथ और सहज शब्दों में उसको पिरोया गया है। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सब एक से लोग लुगाई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरिको भजे सो हरिका हुई। तत्कालीन समाज की गिरावट को प्रकट किया है। वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक कर जाना। सरल शब्दावली का प्रयोग है इनके गीतों में, कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। अधिकांशतः तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तद्भव का मतलब होता है संस्कृत से आयातित वे शब्द जिनको हिंदीकरण जिनका कर दिया गया है, मतलब वो संस्कृत भाषा के शब्द नहीं है, संस्कृत से उनका हिंदीकरण किया गया है और हिंदी के वो शब्द हैं, ओरिजिनल शब्द हिंदी के वही शब्द होते हैं। ऊंच नीच कब एक ही सारा, मानव ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। तो ये गीत है, गीतों में क्या है, सरलता है, शब्दों की सरलता है, भावों की विराटता है मगर शब्दों की सरलता है। शालीनता के तत्व भी हैं गीत में, पूर्णता शालीन है, कोई अश्लील गीत नहीं है। जहां देखिए यही खास बात है, यौवन तो लाख टके से भी बढ़कर है, वह तो अमूल्य है। जितने भी ग्राहक मछली खरीदने आते हैं वो मछली की ओर कम आकृष्ट होते हैं, मछली बेचने वाले की ओर ज्यादा आकृष्ट होते हैं उस लड़की की ओर। परंतु यहाँ भी भारतेंदु ने इस बात को ध्यान रखा है कि इस सौंदर्य का रूप का वर्णन करते हुए कहीं भाव में अश्लीलता ना आ जाए, बिल्कुल श्लीलता हो, श्रृंगार हो, श्रृंगार का पुट है, मगर श्रृंगार अश्लील न बन जाए। एक महीन रेखा जो है श्रृंगार और अश्लीलता के बीच में, उसका अक्षरशः पालन किया है भारतेंदु ने। आप देखिए ये उदाहरण है, मछरिया एक टके के बिकाए, लाख टका के वाला जोवन गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए, बिन पानी मछरी सो बिरहिया मिले बिना अकुलाए। श्रृंगार की बात है, शारीरिक सौंदर्य की बात की गई है, परंतु ऐसा कहीं नहीं किया गया कि अश्लीलता आ जाए। गेयता इनके गुण, इस नाटक के गीतों का एक प्रमुख गुण गेयता है, मतलब गाया जा सकता है। तुकबंदियां हैं तो तुकबंदियों की वजह से गीतों को गाया जा सकता है, और कहीं कहीं तो भजन के गुण भी देखने को मिलते हैं। जैसे ये देखिए, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गई, राम के भजे से गीध गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिन सब ही नसाई। तो यहाँ पे ये है, फिर ये वाला जरूर आप कोट करिएगा अगर आप लिखेंगे तो, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कबहू नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। लाक्षणिकता का प्रयोग भी है। लाक्षणिकता का प्रयोग कैसे है, तो भारतेंदु ने अपने गीतों में तत्कालीन अंग्रेज शासकों और व्यवस्था पर व्यंग किया है। वो खुलकर नहीं बोल सकते थे, क्योंकि उस समय आप समझिएगा ब्रिटेन का शासन था, खुलकर बोलते तो जेल में बंद हो जाते। इसकी रचना कुछ वर्ष पहले ही देशी स्वतंत्रता का पहला संग्राम, 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम था, वो असफल हो चुका था। काफ़ी उस सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया था, जो भारत के लोग थे उनको फांसी चढ़ाया गया था जिन लोगों ने उसमें भाग लिया था। तो भारतेंदु जो थे वो तलवार धारण करने वाले वीर नहीं बल्कि लेखनी पकड़ने वाले साहित्यकार थे। तो साहित्य के माध्यम से, अपने रचित साहित्य के माध्यम से वे जन जागरूकता लाना चाहते थे, लोगों के अंदर जागरूकता लाना चाहते थे, और राजभक्ति और देशभक्ति का समन्वित रूप प्रस्तुत किया करते थे। तो इसमें अभिधात्मक प्रयोग के साथ लाक्षणिकता का भी प्रयोग है, जैसे लय हिंदुस्तान का मेवा, फूट और बैर, किया दांत सभी का खट्टा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, लाक्षणिकता का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर ये देखिए, भीतर होई मलिनकी कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो, मतलब ब्रिटेन के ऊपर लाक्षणिकता का प्रयोग, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है कि अंदर से तो वो लोग बहुत काले हैं, मलिन हैं, ऊपर से बस वो रंग चटकारा दिखाई देता है, गोरा रंग दिखाई देता है। ठीक है, ब्रज और अवधि का मिश्रित प्रयोग इनके गीतों में देखने को मिलता है। कैसे, आप समझिएगा, भारतेंदु ने अपने गीतों में कोमल कांत ब्रज और अवधि भाषा का प्रयोग किया है, जिससे लयात्मकता और मसृणता सर्वत्र विद्यमान है। इनमें भावनात्मकता की कमी है पर वर्णनात्मकता की प्रधानता है। इसका स्पष्ट कारण भी है। कारण ये है कि गीतों के माध्यम से भारतेंदु ने इस नाटक के उद्देश्य की पूर्ति करने का प्रयास किया है, इसीलिए भावनात्मक न बनाकर इसको विवरणात्मक बनाया है कि विवरण प्रधान हो ये गीत। ठीक बात है, गीतों और तुकबंदियों का विशेष उद्देश्य की पूर्ति में रखकर को उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखकर अंधेर नगरी में पात्रों के माध्यम से प्रकट किया है। पाठक या दर्शक के हृदय पर इनका सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है। ये सटीक हैं और प्रभाव क्षमता से परिपूर्ण है। तो ये था आज के दो टॉपिक हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे एक और टॉपिक जो कि अगले वीडियो में होगा,
नाटक के तत्वों के आधार पर अंधेर नगरी की समीक्षा और अंधेर नगरी की भाषा शैली के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसको कंटिन्यू किया जाए कि रोक दिया जाए, क्या किया जाए, आप बताइए जरूर। इंतज़ार रहेगा मुझे आपके कमेंट का। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे 67th BPSC के आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा, कॉल पे बाद में बात हो जाएगी। 9169041, एक सेकेंड रुकिएगा, 9169041691, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 41691, ये फ़ोन नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करिए और जानकारी ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का भी।